वेलकम सभी फ्रेंड्स का माय होम एंड नेचर व्लॉग पर। और आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी फैमिली भी अच्छी होगी। अच्छी होनी भी चाहिए फ्रेंड्स, सभी लोग अच्छे रहें तभी अच्छा रहेगा। और आई विश आप लोग सभी लोग हंसते मुस्कुराते रहें और हमारे साथ ही बने रहें। और कल जन्माष्टमी पर्व है, उसकी बहुत सारी शुभकामनाएँ। और जन्माष्टमी के बारे में मैंने पहले भी एक रेसिपी शेयर करी थी नारियल की रोटी, और अब मैं बनाऊंगी पंजीरी जो कि कल ही बनाऊंगी। और आज तो बस आपसे कुछ बातें शेयर करनी थी तो इसलिए मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ। आज मैंने सोचा कि आपको थोड़ा सा ये बना के दिखाऊँगा ब्रेकफास्ट मैंने क्या बनाया। तो ब्रेकफास्ट में फ्रेंड्स हम लोग कभी पराठे सब्जी खाते हैं, तो कभी कॉर्नफ्लेक्स एंड हनी एंड मिल्क उसी में लेते हैं। और आप बच्चों को भी ऐसे दे सकते हैं। और कभी कभी केवल दलिया बनाते हैं तो दलिया में भी वेजिटेबल्स ऐड करते हैं। हम लोग मीठी दलिया भी बनाते हैं, लेकिन अब जो हमने रेसिपी शेयर करेंगे वो नमकीन दलिया है। आप बना के देखिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी। और मीठी दलिया का अपना इसमें सब काजू बादाम वगैरह भी पड़ते हैं, सब अच्छे से बनाया जाता है, वो मीठी दलिया है। लेकिन जो लोग शुगर के पेशेंट हैं या जो लोग को मीठा ज़्यादा पसंद नहीं, तो उनके लिए नमकीन दलिया वो मैं शेयर करूँगी। और हाँ, कल जन्माष्टमी है तो ये मैं कान्हा जी को राखी बांधूँगी और उनके लिए पंजीरी बनाऊंगी और पूजा होगी कल। जब कोई बहुत ज़रूरी वर्क हो तभी निकलें और ना निकलें और सेफ रहें। त्यौहार भी हैं तो त्यौहारों में अपने घर में ही रहें। जैसे हम लोग क्या है कि रक्षाबंधन से जन्माष्टमी तक राखी कलाई पे ज़रूर बनती है, भाई लोग बांधते हैं या किसी के भी बंधी होती तो बंधी रहती है वो, जन्माष्टमी के बाद खोलते हैं। तो हम लोग कान्हा जी को कल राखी बांधेंगे। और कोई भी राखी आपके पास हो उनके लिए पहले से ही रक्षाबंधन के दिन निकाल के रख ली जाती है राखी। और राखी के साथ फल फ्रूट मिठाई बना के घर में बस उनके लिए पंजीरी का और भोग लगाया जाता है, माखन मिश्री का भोग लगाया जाता है, वही करिए। और घर में ही ये सब चीज़ें अवेलेबल होती हैं, बाहर जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। और हर घर में एक कान्हा होता है, उसका ध्यान रखिए। तो बस मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में। बाय, टेक केयर। तो डियर फ्रेंड्स, आप लोग भी हमारी फैमिली हैं, आप लोग भी मैंने बाय और टेक केयर तो बोल दिया है। और बिल्कुल भी हमारे चैनल को आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखें प्लीज़, तो मतलब हमको भी अच्छा लगेगा और आप लोग को सही से हम आगे बढ़ेंगे। तो यूँ देखते रहें, बने रहें हमारे साथ। और बहुत सारे आप लोगों को आने वाले दिनों की शुभकामनाएं त्योहारों की। और अभी 15 अगस्त आ रहा है तो जो जो चीज़ आती रहेंगी, जो मैं करूँगी उसका व्लॉग ज़रूर बनाऊँगी और आप ज़रूर देखना। और फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए। तो ये हमने ले ली है दलिया 2 कटोरी, क्योंकि हम 4 लोगों के लिए बना रहे हैं। और ये रहा इसका मसाला, तो जीरा, टमाटर और प्याज। और ये हमने देसी घी का यूज़ किया है, इसमें 2 चम्मच देसी घी डाल रही हूँ मैं। देसी घी 2 चम्मच डाल देंगे इसमें। और थोड़ा सा मैश कर लेंगे और अब डाल देंगे ये जीरा। और थोड़ा जीरा जब मेरा चटकने लगा तब इसमें ऐड करेंगे मिर्च हरी कटी हुई, 2 मिर्च डाली है मैंने। और ये प्याज
अगर आप प्याज नहीं खाते हैं, नहीं डालना चाहते हैं, तो मत डालें। और मैंने प्याज और टमाटर, दो प्याज लिए हैं और दो मैंने टमाटर ऐड किए हैं। और इसमें मुझे सब्जी नहीं मिली थी, यहाँ लॉकडाउन था तो सब्जी नहीं मिली थी, तो मैंने बस टमाटर ही ऐड किए हैं। और ना आप परवल भी डाल सकते हो उसमें, तुरई भी डाल सकते हो। और इसमें ग्रीन सब्जियाँ आप कोई भी डाल ऐड कर सकते हो। ये देखिए मैंने एक चुटकी हींग भी डाल ली है इसमें। और अगर आप चाहे मीठी दलिया हो या ये टमाटर ऐड कर दिए, चाहे मीठी दलिया हो या नमकीन दलिया जो मैं बना रही हूँ, अगर आप घी में बनाते हैं तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, वो खिली खिली सी बनती है एकदम, और आयल से उतना टेस्ट नहीं आता है। तो ये हम अब कर लेंगे थोड़ा मिक्सअप सारी चीज़ों को, और थोड़ा फ्राई होने देंगे इसे। और अब डाल रहे हैं हल्दी पाउडर एक चम्मच, हल्दी थोड़ा ज़्यादा रखिए, हल्दी सेहत के लिए अच्छी होती है। ये एक चम्मच नमक, नमक तो आप अपने स्वाद अनुसार डालें, और ये थोड़ा सा मिर्च, और ये है धनिया पाउडर, हेल्दी होती है, बच्चे भी खा सकते हैं। ये थोड़ा जीरा पाउडर, अब सारी चीज़ें पड़ चुकी हैं इसमें, और अब थोड़ा फिर से मिक्सअप कर लेंगे। और मिक्स होने के बाद ये थोड़ा मिक्स होने के बाद अब थोड़ा सा पक गई है हमारे सारे मसाले, तो हम इसमें ऐड कर देंगे ये धुल के रखी थी भिगो के मैंने दलिया। ये दलिया को बनाने से पहले 20 मिनट ज़रूर भिगोएं आप धुल के साफ पानी में। और ये देखिए हमने इसमें पानी ऐड कर दिया है, मैंने 2 कप दलिया ली थी तो लगभग 3 कप पानी आप ज़रूर डालें। 4 लोगों के लिए ये दलिया बन रही थी, तो ये देखिए दलिया बहुत अच्छी बनी है, खिली खिली सी एकदम। तो अगर ये अच्छे लगे हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय बाय।